खबर उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर से है। मानदेय न मिलने से नाराज आशा कार्यकर्त्रियों ने बांसी तहसील के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसंतपुर के मेन गेट पर ताला जड़ दिया और हॉस्पिटल के अंदर मौजूद कर्मचारियों को बंधक बनाकर घंटों धरना प्रदर्शन किया। बाद में काफी समझाने बुझाने के बाद इन लोगों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ताला खोला। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसंतपुर में ताला बंद कर प्रदर्शन करने के अपने इस निर्णय के बारे में बताते हुए आशा कार्यकर्त्री ने कहा कि मार्च माह से सिर्फ उन्हें 2000 का भुगतान दिया गया था, इसके बाद से अभी तक किसी भी आशा कार्यकर्त्री को पैसा नहीं मिला है। आशा नैना दुबे ने बताया कि उनके वेतन के अलावा सरकार की जिन योजनाओं का लाभ उनके द्वारा महिलाओं और बच्चों को मिलना है उसका भी पेमेंट नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से उन्हें क्षेत्र में तरह तरह की बातें सुननी पड़ती हैं। इनका कहना है कि आशाओं से सिर्फ काम ही लिया जाता है, एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिलती है। इतने काम के बावजूद भी अगर पैसा ना मिले तो फिर दिक्कत तो होगी ही। इनका कहना है कि कई बार इन लोगों ने उच्च अधिकारियों से भी बात की है लेकिन बजट ना होने की बात कहकर उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया जाता है। ये हम आशा बहू के पद पे तैनात हैं। हमारा नाम नैना दुबे है, ग्राम महुआ कला से हैं। सर, ताला इसलिए लगा है, मार्च महीने में जो भुगतान हुआ सिर्फ 2000 का भुगतान हुआ है, उसके बाद से कोई भुगतान नहीं हो रहा है। और फिर जो जेएसवाई करा रहे हैं उसका भी भुगतान नहीं हो रहा है। पीयर एजुकेटर का बच्चों का है, वो भी भुगतान नहीं हो रहा है। अगर हम जाते हैं भीड़ में निकलते हैं तो लाभार्थी कहते हैं हमारा पैसा आशा खा गई है, वो भी बिल्कुल नहीं मिल रहा है। कोई काम करने जाओ तो कहते हैं आशा आई है, अरे ये आई है जरूर पैसा लेगी। यहाँ करो कोई काम तो ये लोग कहते हैं अभी बजट नहीं है, बजट नहीं है तो बजट मैंने 5 महीने से काम कर रहे हैं तो बजट कहाँ चला जा रहा है, क्यों नहीं बजट है। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे हमारा पैसा मिले, जेएसवाई पैसा मिले, बच्चों का पैसा मिले। जो काम कर रहे हैं काम का हमारा भुगतान तो होना चाहिए। एक को दिन छुट्टी नहीं मिल रहा है, काम पे काम लिए जा रहे हैं तो भुगतान तो चाहिए हमें कि नहीं चाहिए। किसी के घर इसी के ऊपर बैठे हैं अगर तो बंदा कैसे खाएगा पिएगा। खेती आ गई, एडमिशन आ गया, बच्चों का क्या क्या आ गया, कैसे करेंगे हम लोग, क्या करेंगे बताइए। उच्च अधिकारियों को भी आपने अवगत कराया क्या? अधिकारियों को हम कई लोगों को पता आज बात कर रहे हैं, 8-8 दिन पे आके बजट आएगा डाल देंगे। पिछले सोमवार को भी आए थे, नौगढ़ वाले अधिकारियों को नहीं कराया हुआ। जो जानकारी मिली इसके बारे में और मैंने वहाँ के अधीक्षक से बात किया है और मैंने कहा अगर जरूरत हो तो मुझे आशाओं से बात कराइए। आशाओं को मानदेय या NHM में बहुत सारे कार्यक्रमों में इस समय बजट नहीं आया है तो कुछ कुछ उनका बकाया हो सकता है, लेकिन केवल बसंतपुर की बात नहीं है, पूरे ज़िले में पूरे प्रदेश में इस तरह की स्थिति है। क्योंकि बजट का अभी तो अभाव है, राज्य सरकार से अभी बजट नहीं आ पाया है पूरा, तब तक उम्मीद जताई जाएगी इसी महीने में बजट आ जाएगा। मैंने कहा है गेट की तालाबंदी की थी, खुला? हाँ वो खुल चुका है, बात हमारी खुल चुका है, आशाओं से बात की गई है। मैंने उनको ऑफर दिया है कि अगर कोई आपको समस्या है, आप संतुष्ट नहीं है तो 16 जुलाई को आकर मुझसे बात करें। तो मैंने उनको बुलाया बात करने के लिए, वैसे कोई बात नहीं है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।